अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतिशाम खान। सर्दियों की आते ही गन्ने की फसल तैयार हो जाती है और जो ही गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो जो ज़मींदार हजरात है वो गुड़गानियाँ भी फ़ाल कर देते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर का एक मज़ाफ़ाती इलाका है सफ़ेद संग में, और जिस तरह आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं एक बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, साथ में से एक गुड़गानी भी है और यहाँ पे जो तैयार गन्ना है वो भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे रिवायती तरीके से गुड़ बनाने का एक कारखाना जो है, हम ये कह लें कारखाना है, यहाँ पे गुड़ बनाई जाती है। और आज इस रिपोर्ट में हम आप लोग को दिखाएंगे जो किस तरह एक रिवायती तरीके से वो गन्ने की रस से गुड़ बनाई जाती है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा तरीक़ाकार बताएँगे, जिस तरह यहाँ पर मेरा कैमरामैन आप लोग को दिखा सकते हैं गन्ना जो है वो भी तैयार पड़ा है, साथ में से जो गन्ने की ये जो छिलका है इसको बतौर ईंधन जो गन्ने की जो ये छिलका है और साथ में से जो ये बकाया जात है इसको बतौर ईंधन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पहले गन्ने के फसल को यहाँ पे लाया जाता है और फिर एक बड़े जनरेटर से रस निकाला जाता है और वो रस जाके एक बड़ी गाड़ी में पहुँचता है, वहाँ पर उसको हीटअप किया जाता है और हीटअप करने के बाद जब ये रस गाढ़ा हो जाता है तो उससे गुड़ की दानियां बनाई जाती है। तो हमारे साथ रहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बड़ा जनरेटर लगा हुआ है और यहाँ पे जो गन्ने का रस है वो यहाँ से निकलता है। यहाँ पे आप देखें तो गन्ने की रस के लिए एक कंक्रीट की नाली बनाई गई है, ये नाली से वहाँ से रस निकल के यहाँ पे इस तरीके से आता है और यहाँ पे जो कंक्रीट की नाली है ये पेर कनेक्टेड है, यहाँ पे पेप के साथ कनेक्ट की गई है और ये पेप अंदर की तरफ जो गाड़ी है उसके अंदर ये पेप जा रहा है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पे जो गन्ने की जो छिलका है, छिलका है गन्ने का जो छिलका है इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हम जा रहे हैं यहाँ पे जो गन्ने का जो छिलका है इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखे यहाँ पे एक भाई कारीगर मजदूर लगा हुआ है और जो गन्ने का छिलका है या जो बकाया जात है वो यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियों में वो यहाँ पे ट्रक पे ले आते हैं और इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जो बड़ी ताली लगी है उसमें से जो गन्ने का रस है उसको हीटअप किया जा रहा है। नीचे से आप मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखाएं तो नीचे से एक पंखा लगा हुआ है, एक फ़ैन लगा है जो जो हीट की जो शिद्दत है उसको उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो अंदर से हम भी चलते हैं, अंदर में जो गाड़ी है उसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह रिवायती तरीके से गन्ने का जो रस है किस तरह उससे गुड़ बनाई जाती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुड़ के जुगानी है उसके अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे बाबा जी भी लगा हुआ है, साथ में से कैमरामैन आप लोगों को दिखाए तो और भी यहाँ पे जो कारीगर मजदूर जो मजदूर है वो लगे हुए हैं, वो ये जो गुड़ के दाने हैं वो बना रहा है, साथ में से उस साइड पर कढ़ाई में भी ये जो गन्ने का रस है उसको गर्म हीटअप किया जा रहा है। यहाँ पे बाबा जी के साथ हम बात करेंगे और बाबा जी से हम ये पूछेंगे कि इस गुड़ को किस तरह तैयार किया जाता है। बाबा जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद, अच्छा बाबा जी ये बताएं ये गुड़ को आप किस तरीके से बनाते हैं? शरबत में उधर से आता है गन्ने गाड़ी में का डीगे में आता है, कड़ी में आता है, बेल पे आग गरम गरम करता है। अच्छा। फिर उस रस में हथरे पर इसने गोड़ा मारता है। अच्छा ठीक है। बाद में गुड़। अच्छा, जब यहाँ पे ये जो रस है आप लोग वहाँ पे आप कढ़ाई में गर्म हो रहा है ये जो शरबत है रस गर्म करने के बाद उस पे क्या करते हो? उसमें भी गुड़ के दाने ऐसे ठंडा कर देता है, उसे रम भी मेस ऐसा करता है। अच्छा। और फिर भी ऐसे दाने बनाते हाथों से। अच्छा, हाथों से फिर आप यहाँ पे दाने बनाते हो। अच्छा बाबा जी आप मुझे ये बताएं यहाँ पे आपको जो ये आपका यकीनन ये आपका कारोबार है रोजगार है, इसमें आपको क्या क्या मुश्किल दरपेश है? इसको जनरेटर में डीजल पर चलता है, महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है।
अच्छा। उसमें उबारा नहीं है। अच्छा, पहले डीजल का कितना मिलता था, अब डीजल कितने का मिलता है? फिर 115-150 मिलता है, उसमें गुजारा नहीं होता है अगर उसमें खुद नहीं होता है। अच्छा, तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ऐसे डीजल में तो सस्ता करता है। ऐसे मुतालबा है। अच्छा, मुतालबा है। और ये जो आप ये गुड़ बना रहे हो, आप कितने सालों से यहाँ पे बनाते हो? तकरीबन 40, हमारा उम्र गालिबन 55 साल है और इस वक्त से काम करता है। अच्छा, 50 सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ काम करता है। अच्छा, ये गुड़ के जो आप दाने बनाते हो, फिर आप यकीनन बोरियों में बंद करते होंगे, और फिर ये कहाँ पे मतलब लेके जाते हो, कहाँ पे बेचते हो? बड़ी मंडी में, पेशावर। अच्छा, उसमें बोली होता है फिर भी। अच्छा, बोली पे वहाँ पे फरोख्त करते हो? अच्छा, ठीक है जी। बिल्कुल, बाबा जी का यही कहना है कि वो यहाँ पे तकरीबन 40-50 सालों से वो यहाँ पे ये गुड़ इस कारखाने में बना रहे हैं, और ये जो रिवायती तरीके पर यहाँ पे जो ये गुड़ बनाए जाते हैं इस गुड़गानी में, जिसको गुड़ का कारखाना भी कहा जाता है, पहले कढ़ाई में जो रस है, गन्ने का रस है, उसको हीटअप किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको फिर वही कढ़ाई में ठंडा किया जाता है। वहाँ पर ठंडा होने के बाद यहाँ पे गाढ़े जो रस है इसको इस ताली पे यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे फिर हाथों से ये गुड़ के दाने बना देते हैं। और बाबा जी का यही कहना है कि पहले चूंकि डीजल सस्ता था तो उनका वो जो कारोबार था वो अच्छा चल जाता था। अभी लेकिन महंगाई है, तो डीजल की कीमतों में और दूसरी जो वो किराए हैं उनमें इजाफा हो गया है, तो वो बाबा कह रहे हैं कि हमारे लिए ये मुश्किलात है। गुड़ का ये रिवायती तरीके से गुड़ का बनाना खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज भी ज़िंदा है। गुड़ शुगर का, चीनी का बेहतरीन नेमुल बदल है, और गुड़ के इस्तेमाल से शुगर जैसी बीमारियों के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के मौजी बीमारियों से बचाता है। एहतिशाम खान, न्यूज़ 360, पेशावर।